नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं पत्थरघाटा गुड़िया जोत, जहां पे आपको मैं अभी दिखाऊंगा जीवन दायिनी आयुर्वेदा हेल्थ केयर फाउंडेशन के तरफ से अनाथ आश्रम है, जहां पे यहां पे तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आइए इस विषय में हम और फुटेज को दिखा करके विस्तार से चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं क्या है और कैसे है व्यवस्था। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। जीवन दांजली आयुर्वेद हेल्थ केयर फाउंडेशन नामक अनाथ आश्रम का आज शिलान्यास किया गया। पत्थरघाटा अंचल के प्रधान ने फीता काट करके मोहम्मद सहीद जी ने इसका उद्घाटन किया और इसके फाउंडर भूषण सोनी जी के अलावा और तमाम पदाधिकारीगण के अलावा पास्टर भी यहां पे उपस्थित थे। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ यहां फुटेज को देख करके और विस्तार से हम समझते हैं कि यहां पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ है और क्या क्या करना है इनका भविष्य में। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज का जो ये अनाथ आश्रम का उद्घाटन हुआ, उस विषय को लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। अंजलि आयुर्वेदा हेल्थ केयर फाउंडेशन की तरफ से जो अनाथ आश्रम हम लोगों के यहाँ पे एक नया उद्घाटन हुआ है, ये वाकई में हम लोगों के लिए एक प्राउड का विषय है। पत्थरघाटा अंचल के अंदर में ऐसा कोई भी हम लोगों का संस्था नहीं था, आज ये फास्ट संस्था है हम लोगों के यहाँ पे। इसके जरिए बहुत के अभाव में या फिर घर से उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसके अभाव में आगे का अपना जो एजुकेशन है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस अनाथ आश्रम के ऐसे बच्चों का उपकार होगा, उन लोगों को एक जीवन का दिशा मिलेगा। ये एक बहुत ही सराहनीय काम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो आज मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन लोगों को आप अच्छी तरह से चलाएं। जो भी हम लोगों का इसमें सहयोग अगर ज़रूरत पड़ेगा, चाहे पंचायत सदस्य के तरफ से हो या प्रधान के तरफ से हो या हमारी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से हो, वो हम लोग इन लोगों को देने की कोशिश करेंगे।